So today we are starting new chapter, that is probability distribution. Probability distribution. Now probability एक क्या है? Probability एक tool है. Probability एक tool है to understand uncertain outcomes. अनसर्टन आउटकम्स कि मतलब आपने डाई थ्रो किया तो आपको पता ही नहीं कि आउटकम क्या आने वाला है. हमको ये पता है कि सैम्पल स्पेस में ये 6 पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. बट अब अगर आप डाई थ्रो करने वाले हो तो आपको नहीं पता कि इसमें से क्या आने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें चिप इन करेगी. प्रोबेबिलिटी आपको इसको हेल्प करेगी इसको समझने के लिए, इसको एनालिसिस, इसका एनालिसिस करने के लिए. ठीक है, तो इस सैम्पल स्पेस पे आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे एक्स. एक्स क्या करेगा? इस सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स को रियल नंबर्स में मैप करेगा. ऐसे एक्स को, ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल, तो फॉर एग्जांपल हमने रैंडम वेरिएबल ऐसे डिफाइन किया, इट इज इवन नंबर. तो वो मैप करेगा जीरो पे, और अगर ऑड नंबर आया तो वो मैप करेगा वन पे. तो मान लो कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो आपको आउटकम्स ऐसे मिले 1, 1, 3, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 2, 3. तो क्या करेगा? रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या होंगे? ऑड नंबर है तो वन, ऑड नंबर है तो वन, 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 इवन नंबर है तो ज़ीरो, 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 वन, वन, ज़ीरो, वन. तो रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है? सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स को रियल नंबर्स पे मैप कर रहा है. सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट. कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, मान लो दो कॉइन्स आप टॉस कर रहे हो, तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. और मान लो आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स, तो क्या होगा कि ये जो एच एच आउटकम है, जैसे ये सैम्पल स्पेस में आउटकम आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए जाएंगे, दो हेड्स है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी. जब एच टी आएगा तो नंबर ऑफ हेड्स 1 है, टी एच आएगा तो नंबर ऑफ हेड्स 1 है, टी टी जब आउटकम आएगा तो हेड्स है ही नहीं, तो जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो ये आएगी. फाइन, सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंडम वेरिएबल इज. एक्स जो है वो सैम्पल स्पेस को रियल नंबर्स में मैप करता है. तो ये जो एक्स है वो क्या कर रहा है? सैम्पल स्पेस को रियल नंबर्स में मैप कर रहा है. यहाँ पे सैम्पल स्पेस में एच एच, एच टी, टी एच, टी टी के वैल्यूज है, और ये मैप हो रहे हैं रियल नंबर्स में. रियल नंबर्स में किस पे मैप हो रहे हैं? 0, 1, 2 में. 0, 1, 2 में. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसका जो चैप्टर का अगला टॉपिक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अगेन लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल. सैंपल स्पेस इज एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, और हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स, तो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. एक्स के वैल्यूज होंगे यहाँ पे 2, 1, 1, 0. और प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, ये आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. चारों के चारों इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4.
तो जैसे ही आप प्रोबेबिलिटीज अटैच कर देते हो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ के साथ, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, कैपिटल एक्स कौन कौन से वैल्यूज़ ले रहा है, तीन ही वैल्यूज़ ले रहा है, 0, 1 और 2। तो ये जो टेबल हम लोग बना रहे हैं इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रैंडम वेरिएबल ज़ीरो वैल्यू ले, प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल ज़ीरो वैल्यू ले, 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल वन वैल्यू ले, देखो वन वैल्यू कब ले रहा है, या तो ये आउटकम आना चाहिए या तो ये आउटकम आना चाहिए। ये या तो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हमको इस प्रोबेबिलिटी को एंड इस प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा। एंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम वेरिएबल टू वैल्यू ले, अगेन 1/4। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ऐसा दिखेगा, 0, 1, 2। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x इज 1/4, 2/4, 1/4। फाइन, सो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रैंडमली अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हो तो आउटकम्स कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे HH, मान लो कभी TH आ गया, कभी TT आ गया, फिर TT आ गया, फिर TH आ गया, फिर HT आ गया। रैंडम वेरिएबल कैसे वैल्यूज लेगा, 2, 1, 0, 0, 1, 1। तो रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 इस पर जंप करते जा रहा है, कभी 0 पे जा रहा है, कभी 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, तो जंप कर रहा है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जंप्स फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर, ऐसे टाइप के रैंडम वेरिएबल को बोला जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट नाम कब होगा, जब रैंडम वेरिएबल एक वैल्यू से दूसरे वैल्यूज के बीच में जंप कर रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 coin tossing experiment। सो 3 coin tossing experiment, सो जब आप 3 coins को टॉस करते हो तो आउटकम्स क्या आएंगे, HT, फिर से HT, यहाँ पे आएगा HH TT, यहाँ पे आएगा HH TT. लेट्स से हमने रैंडम वेरिएबल इसके ऊपर डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, तो x के वैल्यूज क्या आएंगे, ये सैम्पल स्पेस है, 3 हेड्स है, 2 हेड्स है, 2 हेड्स है, 1 हेड है, 2 हेड्स है, 1 हेड है, 1 हेड है एंड 0 हेड है। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो टोटल 8 आउटकम्स है, कोई भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8, इसकी 1/8, 1/8, 1/8, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो अब आप x के वैल्यूज़ लिखो, x कौन कौन से वैल्यूज़ ले रहा है, 0, 1, 2, 3, तो 0, 1, 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि x वैल्यू ले, तो 0 वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, तो यहाँ पे आएगा 1/8। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 1 वैल्यू ले, 1, ये 3 केसेस के लिए ले रहा है, तो 1/8 + 1/8 + 1/8, दैट इज़ 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 2 वैल्यू ले, 2 देखो इस आउटकम के लिए ले रहा है, इसके लिए ले रहा है, इसके लिए ले रहा है, तो अगेन 3/8। एंड 3 वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगेन एक करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसको बोलोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसको बोलोगे, हर प्रोबेबिलिटी का टर्म एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो एवरी प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला कंडीशन ये। दूसरा, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1, सारे प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, 1/8
प्लस 3 by 8 प्लस 1 by 8 कितना आता है, 3 plus 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 8 upon 8 इज 1। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगेन ये एग्जांपल किसका है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। जैसे जैसे अलग अलग आउटकम्स आएंगे एक्स की वैल्यूज जंप करेंगी, कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3, ये जंप होते रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देंगे, मास फंक्शन। अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पहले देखा कि जहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्पेस है, हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और हमको वैल्यूज़ मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है कि आपको एक फार्मूला बना के दे देंगे कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4 CX ½⁴, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, x का वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे आएगा 4C 0 ½⁴। उसके बाद x का वैल्यू 1 पुट अप करो, ये आएगा 4C 1 ½⁴। x का वैल्यू 2 पुट अप करो, दिस विल बी 4C 2 ½⁴। एंड x का वैल्यू 3 पुट अप करो, 4C 3 ½⁴। एंड यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुट अप करो, दिस विल बी 4C 4 ½⁴। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये टेबल बनेगा कैसे, कैसे दिखेगा, x इज इक्वल टू x 0 1 2 3 4। सो दिस इज 1/2⁴, दिस इज 4 upon ½⁴ या 2⁴। ये होगा 4C2 मतलब 6 upon 2⁴, ये होगा 4 upon 2⁴ और ये होगा 1 upon 2⁴। तो हर प्रोबेबिलिटी का टर्म देखो क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है इसलिए इसको मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज निकाल के देखो, सो दिस इज 1⁴/2⁴, 4 upon 2⁴, 6 upon 2⁴, 4 upon 2⁴ plus 1 upon 2⁴. So this is 6 plus 4 is 10, 10 plus 4 is 14, 15, 16. तो 16 upon 2⁴, दिस इज 1। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज भी 1 आ रहा है। सो दिस इज अ करेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेंड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 times, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो ये जो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन को 6 बार टॉस किया है, तो C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो 6 बार उसको टॉस किया। इस पर भी हेड आ सकता है, इस पर टेल भी आ सकता है, हेड टेल दोनों आ सकते हैं। तो मान लो हेड्स एंड टेल, हेड अगर इसमें 6 बार आया तो टेल कितनी बार आएगा, 0 times। हेड अगर 5 times आया तो टेल 1 बार आ रहा होगा। हेड अगर 4 times आया तो टेल 2 बार आएगा। हेड अगर 3 times आया तो टेल 3 times आ रहा होगा। इसमें हेड अगर 2 बार आया तो टेल 4 times आ रहा होगा या आया होगा। और यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये 5 होगा, ये 0 है तो ये 6 होगा। 6 tails आ गए तो हेड 0 होंगे, ठीक है। अब हमको ये निकालना है कैपिटल एक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स, जितने हेड्स आए हैं और जितने टेल आए हैं उनका डिफरेंस लगाओ। तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 6 - 0 6, 5 - 1 4, 4 - 2 2, 3 - 3 0, 2 - 4 - 2, 1 - 5 - 4, 0 - 6 - 6. सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर -6 - 4 - 2 0 2 4 6. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 red and 2 black balls. Two balls are drawn at random. X denotes number of black balls drawn.
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं अब. एन अर्न कंटेन्स, अर्न मतलब ऐसा वास होता है और इसमें देर आर फाइव रेड एंड टू ब्लैक बॉल्स. इसमें से दो बॉल्स को ड्रॉ किया गया, सो टू बॉल्स आर ड्रॉन. एट रैंडम एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन. एक्स रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? बहुत सिंपल है, जब आप इसमें से दो बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो तो एक रेड एक ब्लैक आ सकता है, एक रेड दूसरा भी रेड आ सकता है, पहला ब्लैक दूसरा भी ब्लैक आ सकता है. जब ये अच्छा, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं आएगा. इस केस में आउटकम एक्स की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन. तो इसमें कितने ब्लैक बॉल्स है? एक. इसमें कितने ब्लैक बॉल्स है? ज़ीरो. इसमें कितने ब्लैक बॉल्स है? दो. तो एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं? ज़ीरो, वन, टू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अच्छा, अब देखो ये टेबल, हर प्रोबेबिलिटी का जो टर्म है वो पॉजिटिव है, ठीक है. इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करो, दो ही चीज़ें चेक करनी है आपको, तो सब पॉजिटिव होना चाहिए. उसके बाद सबको ऐड करके देखो, 0.4 प्लस 0.4 इज 0.8, 0.8 प्लस 0.2 इज 1, तो सबका एडिशन 1 आ रहा है. सो दिस इज़ अ करेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ये करेक्ट मास फंक्शन है, ठीक है. सेकंड, इसमें देखो ये वाला प्रोबेबिलिटी का टर्म नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इसमें देखो सब पॉजिटिव है. अब 0.6 प्लस 0.3 इज 0.9, 0.9 प्लस 0.1 इज 1, सो दिस इज़ अ करेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इसको ऑब्जर्व करो, 0.3 प्लस 0.2 इज 0.5, 0.9, 0.9 प्लस 0.05, 0.95, 1 नहीं है ना, एडिशन 1 नहीं आ रहा. अच्छा, ये वैल्यूज़ नेगेटिव आ सकती हैं, एक्स की वैल्यूज़, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और उसका सम हमेशा 1 आना चाहिए. यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है. फिर इसको देखो, 0.6 प्लस 0.2 इज 0.8, प्लस 1 इज 0.9, सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इसको चेक करो, ये 1 आता है, सो दिस इज़ अ करेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके, नेक्स्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ थ्री कॉइन्स, नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अब आते हैं. हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. पहला केस है नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा जब आप दो कॉइन्स को टॉस करते हो? HH, HT, TH, TT. X के वैल्यूज़ क्या होंगे? नंबर ऑफ हेड्स आपको काउंट करने हैं. दो हेड्स है, एक हेड है, एक हेड है, जीरो हेड है. और हमको क्या निकालनी है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/4. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा दिखेगा? 0, 1, 2. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/4. x का वैल्यू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/4 प्लस 1/4, 2/4. और x का वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4. ये आंसर है. इसका जो सेकंड सब क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ थ्री कॉइन्स. तो जब तीन कॉइन्स को टॉस करोगे तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? HT. यहाँ पे आएगा HH, TT. रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज, नंबर ऑफ टेल्स, टेल काउंट करो. इधर जीरो टेल्स है, एक टेल है, एक टेल है, दो टेल है, एक, दो, दो, तीन.
प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 1/8, क्योंकि 8 आउटकम्स है और प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1/8, 1/8, सो ऑन, 1/8। तो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या हैं, 0, 1, 2, 3, इतने ही अलग वैल्यूज़ है ना, 0, 1, 2, 3। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रैंडम वेरिएबल जीरो वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, 2 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, एंड 3 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। ये आंसर है इसका। उसके बाद नंबर ऑफ हेड्स, थर्ड क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेस ऑफ अ कॉइन। जब आप 4 टॉसेस करते हो तो 4 टॉसेस करोगे तो ऐसे आउटकम्स आएंगे, एच टी, फिर से यहाँ पे आएगा एच टी, तो यहाँ पे आएगा एच एच टी टी, यहाँ पे आएगा एच 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 एच। फिर आएंगे 8H, 8 बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 times टेल। ओके फाइन, तो ये है सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ हेड्स, तो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या होंगे, कितने हेड्स हैं यहाँ पे, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2, 1, 3, 2, यहाँ पे 2, 1, 2, 1, 1, 0। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो एक्स के वैल्यूज़ क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो ज़ीरो वैल्यू ले, अच्छा इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 16 आउटकम्स है ना, तो इसकी अकेले इसकी आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/16, इसकी होगी 1/16, इसकी होगी 1/16, हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/16। तो ज़ीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/16। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आएगा 4/16। 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आ रहा है, तो 6/16। 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4/16, एंड 4 कितनी बार आ रहा है, 1/16। ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हम लोग स्टॉप करेंगे, रिमेनिंग सम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे।